नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। असली लड़ाई यहाँ एनडीए और महागठबंधन पर, और कोई मतलब लखीसराय और मुंगेर वही रात्रि विश्राम होगी, तो लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के हो, हर जात के हो, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है। हमने अपने पार्टी के लोगों को बोला है कि जिनका डेथ हुआ है, ये काफ़ी दुखद है जो घटना हुई है, तो नंबर उनके परिजनों का हम मंगवा रहे हैं, उनसे भी बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। जब भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्ष पे एक्टिव हो जाए तो समझ लीजिए कि विपक्ष अच्छा काम कर रही है और भाजपा बौखलाई हुई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों जनविश्वास यात्रा पे हैं और अभी वो कटिहार में पहुंचे हुए हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्ष पे लगातार एक्शन लेने लगे तो समझ जाइए कि केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और विपक्ष जो है वो अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही कल के हुए हादसे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि रात को ही हमें पता चला था इस हादसे के बारे में, यह हादसा वाकई काफी दुखद है। हमने परिजनों का नंबर मंगवाया है, जैसे ही नंबर हमें मिलता है हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले इस वीडियो में सुनिए। इसके बाद भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और मुंगेर वही रात्रि विश्राम होगी, तो लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के हो, हर जात के हो, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है, और यही कारण है कि समय से हम लोग पीछे चल रहे हैं। भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा, काफ़ी देर रात तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन समय पर ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा, 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं, और लोग जो है तब भी रात के अंधेरे में भी 12 बजे 2 बजे लोग खड़े रहते हैं, तो लोगों का ये प्यार है और एक विश्वास है, और इस विश्वास पे हम लोगों को खड़े उतरना है। तो जिस विचारधारा से हम लोगों की लड़ाई है उसको बिहार में रोकना है, यही काम मकसद है हम लोगों का। ये कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। असली लड़ाई यहाँ एनडीए और महागठबंधन में, और कोई मतलब रात में रोड एक्सीडेंट में एस्कॉर्ट गाड़ी में एक की हमको सूचना मिला है, कल रात में जो है एस्कॉर्ट गाड़ी में जो ड्राइवर थे उनका निधन हुआ है, कई लोग जो है घायल हुए हैं। तो हम एक पहले एक बार जवाब दें, हमने अपने पार्टी के लोगों को बोला है कि जिनका डेथ हुआ है, ये काफ़ी दुखद है जो घटना हुई है, तो नंबर उनके परिजनों का हम मंगवा रहे हैं, उनसे भी बात करें। सर चाचा आप साथ छोड़ के गए, सर चाचा आप साथ छोड़ के गए भाजपा को रोकना कितना बड़ा चुनौती है? नहीं, चुनौती नहीं है, जो झंडा वो उठाए थे हम उठाए, और कोई पहली बार लड़ रहे हैं क्या? चाचा का आशीर्वाद का उम्मीद है भविष्य में, चाचा फिर आशीर्वाद देंगे, इस तरह का उम्मीद है? नहीं नहीं, आशीर्वाद क्या है, अब हम तो अब वो दे ना दे, मेरा तो फर्ज बनता है उनको सम्मान देना, और वो हम देते नहीं। लोकसभा चुनाव में 40 सीट पे क्या लग रहा है? अब तो आने वाला, आप लोग आकलन करते हैं बहुत बढ़िया, आप ही लोग आकलन की। सर रेड पड़ रहा है भोजपुर में, किरण देवी विधायक, तो क्या फर्क पड़ रहा है? जब भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ, तो आप समझ जाइए कि भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, और आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये साफ किया है कि जब ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे और उनकी गतिविधियां तेज हो जाए तो भाजपा जो है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है और विपक्ष अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ ही पूर्णिया में हुए हादसे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि जल्द से जल्द परिजनों का नंबर हमने मंगाया है, जैसे ही नंबर मिलेगा हम उनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही इस बातचीत में तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी खूब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो किसी और नेता से या फिर किसी और राजनीतिक पार्टियों से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ है, और एनडीए से इस बार की लड़ाई सिर्फ सीमांचल ही नहीं पूरा बिहार जानेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।